हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 4 का लेसन नंबर 1, क्लास 7 का ये चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है कांस डू इनलेस कार्टन। इनलेस कार्टन का बेसिक मतलब है क्या आप स्केटिंग कर सकते हैं। कांस डू इनलेस कार्टन, कि आप स्केटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसमें देख रहे होंगे कि मोडाल वर्ब यूज हुई है। कैन यू स्केट, आप स्केट कर सकते हैं। कैन यू डू स्केटिंग, तो इस तरह से ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आज हम सीखेंगे ग्रामर। ग्रामर पार्ट क्या है वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले है मोडाल वर्ब हमारी क्योनन। मोडाल वर्ब है हमारी क्योनन। क्योनन का मतलब होता है कैन, मतलब जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, कैन यू स्पीक जर्मन या आई कैन स्पीक जर्मन, यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी। तो किस लिए यूज होता है ये, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं कि आप ये कर सकते हो, क्या आप जर्मन बोल सकते हो, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हो, तो इस तरह से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी तो क्योनन यूज होता है। अब इसके हम कॉन्जुगेशन करते हैं। पहले मैं सब्जेक्ट प्रोनोमन लिख देती हूं। इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब होता है तुम, एस जी एस का मतलब होता है ही शी इट, वियर का मतलब होता है हम, ये जी कैपिटल का मतलब आप और आप लोग, ये जी स्मॉल का मतलब ही होता है दे, एंड ईयर का मतलब होता है यू ऑल, मतलब तुम लोग, राइट। इश मतलब मैं, डू मतलब तुम, तू, एस जी एस मतलब ही शी इट, वियर का मतलब हम, इस जी का मतलब आप या आप लोग, एंड इसका मतलब ही शी इट, एंड डू का मतलब तू या यू इनफॉर्मल अगर मैं बात करूं तो, एंड इश का मतलब आई। तो ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनोमन होते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 मोडाल वर्ब का रूल, बेसिकली जो हम कर रहे हैं मोडाल वर्ब कर रहे हैं। अब मोडाल वर्ब बेसिकली क्या होती है? मोडाल वर्ब हमारी होती है एक्सप्रेसिव वर्ब। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, जैसे कि मोडाल वर्ब अगर आपको इंग्लिश में याद होगी तो क्या होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, ये हमारी हुआ करती थी ना। तो कैन किस लिए यूज होती थी, व्हेन वी यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी, कि आई कैन डू दिस, या कुड कि जब मैं वो कर सकती थी, जब मेरी पास्ट टेंस की एबिलिटी होगी, या शुड किस लिए यूज होता है, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, यू शुड टेक मेडिसिन, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये हमारी इंग्लिश की मोडाल वर्ब है, यानी कि एक्सप्रेसिव वर्ब है, जब आप अपने मूड को एक्सप्रेस कर रहे हो। नॉर्मली आप सेंटेंस जो बनाते हो किस तरह से बनाते हो, आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ। अब मैं बोलना चाहती हूँ आई कैन ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खा सकती हूँ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई एबिलिटी। पहला सेंटेंस क्या है, आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ, ये नॉर्मल सेंटेंस है जो नॉर्मल टेंस यूज होता है प्रेजेंट टेंस का। लेकिन अगर मैंने मोडाल वर्ब बीच में जोड़ दी, जैसे मैंने बोला आई कैन ईट एन एप्पल, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई एबिलिटी, कि मैं एप्पल खा सकती हूँ। I can eat an apple. मैं apple खा सकती हूँ. I am talking about my ability. तो ऐसे ही ये मैं बोल रही हूँ, you should eat an apple. तुम्हें apple खाना चाहिए. यानी कि I am giving you advice कि आपको ये करना चाहिए. Right? तो modal verb होती है expressive verb, जिसमें आप अपने mood को express करते हैं. Can बोला तो ability की बात हो गई. अब जैसे मैंने बोला I must eat an apple. मुझे apple खाना ही पड़ेगा, चाहे मेरा mood हो या नहीं हो. तो must भी एक modal verb है. ऐसी जर्मन में भी मोडाल वर्ब होती हैं, राइट। तो पहली मोडाल वर्ब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्योनन। क्योनन का मैं मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैन जैसे कि इंग्लिश में होता है और ये एबिलिटी के यूज होता है। अब मोडाल वर्ब का रूल नंबर 1, क्या रूल नंबर 1 है मोडाल वर्ब का? रूल नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है, रूल नंबर 1, इश और एस सेम होता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं वैसे बात करूं रेगुलर में, तो वहाँ ए एस जी एस में टी लगता है, बट यहाँ क्या होता है, इश की जो कॉन्जुगेशन होती है वही ए एस जी एस या जी ए आर एस की होती है, राइट। यानी कि इसकी और इसकी कॉन्जुगेशन सेम होगी, इसकी एंड इसकी कॉन्जुगेशन सेम होगी। तो सबसे पहले सिर्फ आपको इश याद रखना है, और इसका रेगुलर की तरह कॉन्जुगेशन नहीं है, यू हैव टू लर्न। तो इश की जो कॉन्जुगेशन होती है वो होती है कान, इश कान, दू, अब इसमें एस टी लग जाएगा, दू कांस्ट, एस जी एस
कान, मैं अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इश और एजियस सेम होता है, ये रूल नंबर वन है, इस चीज का ध्यान रखना, इश और एजियस सेम होता है, क्योंकि यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, एजियस में टी लगा देते हैं। इश कान, दू कांस्ट, एजियस कान, वियर जीजी में एक्चुअल फॉर्म आती है क्यूनन, एंड ईयर, ईयर सबसे आसान है, चाहे रेगुलर वर्ब हो, इरेगुलर वर्ब हो, ट्रेंड बार हो, मोडाल वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, रूट उठाओ, रूट है ये, एंड टी लगाओ, क्यों, राइट। इश कान, दू कांस्ट, एयर जी एस कान, वियर जी जी क्योंन, ईयर क्यों, ये हमारा मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेशन, कैन की कॉन्जुगेशन हो गई क्योंन की। तो क्योंन की क्या कॉन्जुगेशन है, इश कान, दू कांस्ट, एयर जी एस कान, वियर जी जी क्योंन, ईयर क्यों। रूल नंबर टू, अब कॉन्जुगेशन तो आपको आ गई, जब हम इसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, फिर मोडाल वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, देन नॉर्मल वर्ब आता है, और वो भी इन्फिनिटिव फॉर्म में। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है एक्चुअल फॉर्म। तो मान लीजिए जैसे मैंने एक वर्ब ली स्पीलन, स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले, तो ये एक्चुअल फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, तो मैं क्या बनाऊंगी, इश कान, फिर फुसबॉल लिया, इश कान फुसबॉल स्पीलन, राइट, मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, तो इश हुआ, फिर मैंने मोडाल वर्ब लगाई कान, फिर फुटबॉल ऑब्जेक्ट लगाया, देन स्पीलन लगाया, इश कान फुसबॉल स्पीलन, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मोडाल वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर नॉर्मल वर्ब आई। इंग्लिश में क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं ये सेंटेंस इंग्लिश में बनाती तो क्या बनता, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये बनता आई कैन प्ले फुटबॉल। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कैन के बाद नॉर्मल वर्ब आती है, भाई कैन लगा, मोडाल वर्ब लगी, फिर नॉर्मल वर्ब आई, ये जैसे सब्जेक्ट मोडाल वर्ब फिर नॉर्मल वर्ब आई फिर ऑब्जेक्ट आया, ये इंग्लिश में होता है। लेकिन जर्मन में क्या होता है, ईश, अगर ये जर्मन में होता तो सेंटेंस बनता ईश कान फुसबॉल स्पीलन, यानी कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मोडाल वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, एंड नॉर्मल वर्ब एंड में आती है। चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, आपकी नॉर्मल वर्ब जो उसके साथ लगने वाली वर्ब है वो एंड में आएगी, वो भी एक्चुअल फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट मोडाल वर्ब ऑब्जेक्ट देन नॉर्मल वर्ब। अब आप पूछोगे हम ये नॉर्मल वर्ब को कॉन्जुगेट क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑलरेडी मोडाल वर्ब को कॉन्जुगेट कर चुके हैं, एक बार कॉन्जुगेशन कर चुके हैं ना, क्योंन का हमने कान कर दिया इश के अकॉर्डिंग, तो बार बार थोड़ी करेंगे, इश कान फुसबॉल स्पीलन, आई कैन प्ले फुटबॉल, राइट। तो अगर मैं और देखूं, इश, अब इश कान टेनिस स्पीलन, मैं टेनिस खेल सकता हूँ, इश कान डॉ एक्सप्रेशन, मैं जर्मन बोल सकता हूँ, तो इश कान टेनिस स्पीलन, आई कैन प्ले टेनिस, यानी कि पहले सब्जेक्ट आया, फिर मोडाल वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, देन नॉर्मल वर्ब आई। अच्छा, अब मेरे को दू के साथ बनाना है तो क्या बनेगा, दू कांस्ट टेनिस स्पीलन, तुम टेनिस खेल सकते हो, राइट। अब मुझे यही चीज क्वेश्चन में पूछना है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब स्ट्रेट सेंटेंस बन रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन रहे हैं कि मैं टेनिस खेल सकती हूँ, तुम टेनिस खेल सकते हो। अब मुझे पूछना है क्या तुम टेनिस खेल सकते हो, तो कुछ नहीं करना, जब हम यस नो वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो वर्ब पहले आ जाती है, कांस दू टेनिस स्पीलन, क्या आप टेनिस खेल सकते हैं, कांस दू टेनिस स्पीलन, कैन यू प्ले टेनिस, कांस दू टेनिस स्पीलन, कैन यू प्ले टेनिस। अगर मैं इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में लिखना नहीं चाहती बट आपके लिए यहां पर लिख देती हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं उसको वैसे ही सीखें तो ज़्यादा बेटर, उसकी ग्रामर को समझते हुए। तो कांस दू लगाया, बाकी ऑब्जेक्ट वही लगाया, क्योंकि मैंने बताया था मोडाल वर्ब के साथ दूसरी वर्ब जो होती है वो एंड में आती है और इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो कांस दू टेनिस स्पीलन, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप टेनिस खेल सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, येस हाँ मैं खेल सकता हूँ, तो क्या आंसर दोगे, या फिर अगेन इश कान टेनिस स्पीलन, और नहीं खेल सकते तो आप कैसे बोलेंगे, नाइन इश का नेक्स्ट
टेनिस पीलन, नहीं मैं नहीं खेल सकता, बस कान निष्ठ आ जाएगा, जैसे इंग्लिश में कैन नॉट हो जाता है ना, यहाँ कान निष्ठ टेनिस पीलन, या इश्कान टेनिस पीलन, नाइन इश्कान निष्ठ टेनिस पीलन, राइट। तो अब जैसे और मैंने क्वेश्चन पूछा टीना कान, अब जैसे हमने टीना की कॉन्जुगेशन यानी कि एजीएस की कॉन्जुगेशन की, वो क्या होती है कान, टीना कान टेनिस पीलन। अब मैं टीना के बारे में बात करूँ, टीना टेनिस खेल सकती है। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है क्या टीना टेनिस खेल सकती है, बस वर्ब को फर्स्ट पोजिशन पर ले आओ, कान टीना टेनिस पीलन, क्या टीना टेनिस खेल सकती है, तो कान टीना कैन शी प्ले टेनिस, बेसिकली इस तरह से बनाइए। अच्छा एक और चीज, जब आप सेंटेंस बना रहे हैं एक चीज का ध्यान रखना जहां मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, नाउन को कैपिटल लेटर में लिखना है, नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इंग्लिश में क्या होता है सिर्फ प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल में लिखते हैं, पर जर्मन में हर नाउन को कैपिटल में लिखते हैं, चाहे आपका नाम हो, चीजों का नाम हो, कोई भी नाउन हो, सबको कैपिटल में लिखेंगे। अगर आप स्मॉल में लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो कान टीना टेनिस पीलन या जी कान टेनिस पीलन, हाँ वो खेल सकती है, और नहीं खेल सकती तो निष्ठ लगा दो, नाइन जी का निष्ठ टेनिस पीलन, राइट। ये इस तरह से क्वेश्चन बन गई। बेसिकली क्या करना है, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है, देन सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या हुआ, ये आपकी पहले मोडाल वर्ब आ गई, देन सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉर्मल वर्ब, ये क्वेश्चन बन गया आपका येस नो वाला। अच्छा अब मैं सपोज पूछना चाहती हूँ तुम क्या कर सकते हो, वट कैन यू डू। अब ये डब्लू क्वेश्चन कैसे, डब्लू क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यानी कि अगर आपको डब्लू क्वेश्चन मोडाल वर्ब में पूछना है, जैसे मैंने पूछा व्हाट कैन यू डू, है ना, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, तो व्हाट होता है वास, फिर कैन हो गया कांस्ट, डू, क्योंकि मैं डू लगा रही हूं इसलिए डू की कॉन्जुगेशन, वास कांस्ट डू माखन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां क्वेश्चन वर्ड आ गया, पहले डब्लू फ्रॉग आ गया, फिर मोडाल वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, एंड देन आपकी नॉर्मल वर्ब या ऑब्जेक्ट अगर रहा तो, कि तुम क्या कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट ही तो आंसर आएगा कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, इश्कान फुटबॉल स्पीलन, राइट, वास कांस दू माखन, आप क्या कर सकते हो, तो आप सीधा आंसर दे सकते हो इश्कान टेनिस स्पीलन, मैं टेनिस खेल सकता हूँ, राइट। यानी कि अब इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं इसको, तो अगर आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाओगे, सब्जेक्ट मोडाल वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन नॉर्मल वर्ब, ये नॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए, नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको यस नो वाला क्वेश्चन बनाना है या नाइन फ्रागा, मतलब ये स्टेल फ्रागा के लिए बता रही हूँ मैं, पहले मोडाल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, देन नॉर्मल वर्ब, ये एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और अगर आपको डब्लू क्वेश्चन बनाना है तो पहले डब्लू क्वेश्चन आएगा, फिर मोडाल वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट एंड देन नॉर्मल वर्ब, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट मोडाल वर्ब। मैं इनका एक एग्जांपल भी लिख देती हूँ सो दैट आपको हेल्प मिले, जैसे इश्कान फुटबॉल स्पीलन, मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट फुटबॉल लिया एंड नॉर्मल वर्ब स्पीलन ली, ठीक है। दूसरा कैन यू प्ले फुटबॉल, कांस तू, मोडाल वर्ब पहले आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर फुटबॉल स्पीलन। अच्छा डब्लू क्वेश्चन, वास कांस तू माखन, या वान कांस तू फुटबॉल स्पीलन, कब खेल सकते हो, तो वास कांस तू माखन। अभी मैं ये बना देती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, राइट। तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गई, ये यस नो वाला क्वेश्चन बनाने के लिए, कांजू फुटबॉल स्पीलन, तो आप आंसर क्या दे सकते हो, या इश्कान फुटबॉल स्पीलन, और यहां पर वास कांजू माखन, इश्कान फुटबॉल स्पीलन, ये डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, इश्कान फुटबॉल स्पीलन, राइट। अब क्या है, ये तो आपकी क्योनन हो गई, अब ऐसे ही दूसरी आपकी मोडाल वर्ब है वोलन। वोलन का मतलब होता है टू वांट, किसी चीज को चाहना, जैसे मैं बोल रही हूं मैं जर्मन सीखना चाहती हूं, वहां सकती हूं का बात हो रही थी क्योंन में, अब ये चाहने की बात हो रही है, तो पहले मैं सब्जेक्ट प्रोनोमन लिख देती हूं,
इश होता है, अब इश याद करना है, इश होता है विल, डू में विल्स्ट एस टी लग जाएगा, ए एस डी एस में क्या होगा बताओ, विल्ट क्या होगा, नो विल, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल नंबर वन, इश और ए एस डी एस सेम होते हैं. राइट, वीएजीजी वोलन एक्चुअल फॉर्म आती है, और ईयर में रूट उठाओ टी लगाओ, ये रूट है, यहां तक रूट है और फिर टी लगा दिया. तो इश विल, डू विल्स्ट, एजीएस विल, वीएजीजी वोलन ईयर वोल्ट. राइट, अब रूल नंबर टू, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट मोडाल वर्ब ऑब्जेक्ट नॉर्मल वर्ब. ठीक है, तो क्या होगा, इश विल डॉयच एक्सप्रेशन, मैं जर्मन बोलना चाहता हूं, इश विल डॉयच एक्सप्रेशन. ठीक है, अब नॉर्मली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये वर्ब वो भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, मोडाल वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट फिर मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट हो जाती है, देन ऑब्जेक्ट फिर नॉर्मल वर्ब होती है, ये स्ट्रक्चर मोडाल वर्ब का होता है. तो अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इश विल फुटबॉल स्पीलन, मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, ये हो गया आई वॉन्ट टू प्ले. मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ, तो ये वॉन्ट टू हो गया. राइट, अब हम एक और मोडाल वर्ब कर लेते हैं, और सेंटेंस कैसे बनेंगे वो आपको क्योनन से पता ही चल गया होगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे. अब तीसरा है म्यूसन, म्यूसन का मतलब होता है मस्ट या हैव टू, करना ही पड़ेगा, मतलब आपकी इच्छा हो या नहीं हो, यू हैव टू डू दिस वर्क, मतलब जहां ऑब्लिगेशन आ गई, नेसेसिटी आ गई कि करना ही पड़ेगा, कल एग्जाम है तो मुझे जर्मन पढ़नी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है. मैं इसकी कॉन्जुगेशन बता देती हूँ, इश मुस डू मुस्ट, उमलाउट नहीं आता इसमें, इश मुस डू मुस्ट, अब यहाँ एस टी आना चाहिए पर ट्रिपल एस हो जाएगा तो कोई साउंड नहीं होती, तो एक एस हटा देते हैं तो हमारा टी आ जाता है, ए एस जी एस मुस, क्योंकि इश और ए एस जी एस सेम होता है, वी एस जी जी म्यूसन एंड ईयर म्यूस्ट. राइट, तो इश मुस डू मुस्ट, ए एस जी एस मुस, वी एस जी जी म्यूसन, ईयर म्यूस्ट, ये हमारा म्यूसन हो गया. ठीक है, अब मेरे को इसके साथ सेंटेंस बनाना है, इश और ए एस जी एस सेम होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि बताया मैंने आपको इश और एजीएस सेम होता है मोडाल वर्ब में, ये रूल नंबर वन हो गया. एक सेंटेंस मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि मैं, मेरे को जर्मन बोलनी पड़ेगी, इश मुस डॉयच एक्सप्रेशन, अब मैं जर्मनी जा रही हूँ मुझे जर्मन बोलनी पड़ेगी, या स्कूल की टीम को ज़रूरत है तो मुझे फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, इश मुस डॉयच एक्सप्रेशन, मुझे जर्मन बोलनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आई हैव टू स्पीक जर्मन या आई मस्ट स्पीक जर्मन, मुझे बोलनी पड़ेगी, इश मुस डॉयच एक्सप्रेशन. राइट, यही हो गया. अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, कुछ चीज़ें बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला, पहले तो चीज़ें बता दी, जैसे टेनिस स्पीलन हो गया, टेनिस खेलना. राइट, फुटबॉल स्पीलन हो गया, फुटबॉल खेलना. वॉलीबॉल स्पीलन हो गया, वॉलीबॉल खेलना. राड फारन हो गया, साइकिल चलाना. राड फारन, फारन का मतलब टू गो भी होता है, फारन का मतलब टू ड्राइव भी होता है, राड हो गया साइकिल, फाराड भी कहते हैं, राड भी कहते हैं. राइट, शी फारन, शी फारन का मतलब ये स्की होता है, शी फारन मतलब स्की करना, बर्फ पे करना. राइट, राइटन, राइटन मतलब घोड़ा चलाना. स्विमन, स्विमन मतलब स्विमिंग करना. जॉगन, जॉगन मतलब जॉगिंग करना. जुर्फन, जुर्फन मतलब सर्फिंग करना, जैसे वाटर पे हम सर्फिंग करते हैं ना, तो जुर्फन हो गया सर्फिंग करना. तो ये अलग अलग चीज़ होंगे, टेनिस स्पीलन मतलब टेनिस खेलना, फुटबॉल स्पीलन फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल स्पीलन
वॉलीबॉल खेलना, राड फारन साइकिल चलाना, शी फारन मतलब स्की करना, राइटन मतलब घोड़ा चलाना, राइड करना मतलब हॉर्स हॉर्स राइडिंग करना, स्विमन मतलब टू स्विम, जॉगन मतलब जॉगिंग करना, जुर्फन मतलब वाटर सर्फिंग करना, राइट। ये हमारी कुछ चीज़ें हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कांजू फुटबॉल स्पीलन, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं? कांस डू फुटबॉल स्पीलन, कैन यू प्ले फुटबॉल? तो आप क्या क्या आंसर दे सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज है? आप बोल सकते हो हाँ मैं बहुत अच्छा, हाँ मैं खेल सकता हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, हाँ मैं थोड़ा अच्छा खेल सकता हूँ, या नहीं खेल सकता, राइट। तो अगर हम पॉजिटिव में आंसर देंगे या इश्कान फुटबॉल स्पीलन, अभी मैं बोलूँ या इश्कान फुटबॉल स्पीलन, हाँ मैं खेल सकता हूँ। अभी मैंने ये नहीं बताया मैं अच्छा खेल सकती हूँ, खराब खेल सकती हूँ, कैसा खेल सकती हूँ। या इश्कान गुड फुटबॉल स्पीलन, हाँ मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ। तो गुड पहले लगा दो। देन आप बोल सकते हो जैसे या इश्कान जेयर गुड, हाँ मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। बस गुड की जगह जेयर गुड लगा दिया। अच्छा अब आप बोलना चाहते हो नहीं मैं ज्यादा अच्छा नहीं खेल सकता, नाइन इश्कानिष्ट फुटबॉल स्पीलन, मैं खेल ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूँ नहीं मैं खेल ही नहीं सकती, जैसे आपने मुझसे पूछा कांजू फुटबॉल स्पीलन, नाइन इश्कानिष्ट फुटबॉल स्पीलन, मैं नहीं खेल सकती। और मैं बोलना चाहती हूँ नहीं मैं इतना अच्छा नहीं खेल सकती, नाइन इश्कानिष्ट जेयर गुट फुटबॉल स्पीलन, हाँ मैं बहुत अच्छा नहीं खेल सकती, नॉर्मल खेल सकती हूँ, कहने का मतलब ये हो गया। तो या इश्कान फुटबॉल स्पीलन, या इश्कान गुड फुटबॉल स्पीलन, हाँ मैं अच्छा खेल सकता हूँ। तो आपने क्या क्या देखा, नॉर्मल बोलना है तो नॉर्मल बोल सकते हो, उसमें बता रहे हैं जहाँ मैं अच्छा खेल सकता हूँ, बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता, या उतना अच्छा निज देयर गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सकता, मतलब नॉर्मल नॉर्मल खेल सकता हूँ। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, राइट। अब मैं एक और सिचुएशन बताती हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कांस टू राड फारन, क्या आप साइकिल चला सकते हैं? तो आपने बोला आपको नेगेटिव में आंसर देना है, नहीं मैं नहीं चला सकता, नाइन इश्कानिष्ट राड फारन, नहीं मैं साइकिल नहीं चला सकता, मैं साइकिल सीखना चाहता हूँ, आबर आबर मतलब बट, इसका मतलब होता है बट, हाँ आबर इश विल मतलब आई वॉन्ट टू इश विल एस लर्नर, लेकिन मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखो यहाँ मेरी एबिलिटी की बात आ गई, तो मैंने कान यूज़ कर लिया, इश्कानिष्ट राड फारन मैं नहीं चला सकता लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, वॉन्ट टू आपका वॉन्ट टू आ गया, इश विल एस लर्नर, दान फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दान मुस इश आइनन राड कूस माखन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक साइकिल टो वो साइकिल कोर्स करना पड़ेगा बेजूखन, यहाँ पर कोर्स क्या होता है विजिट करते हैं ये कोर्स में। देखो मैंने तीनों मोडाल वर्ब यूज करके दिखा दिया आपको, क्वेश्चन पूछा गया क्या आप साइकिल चला सकते हो, आपने बोला नहीं मैं नहीं चला सकता, आई कैन नॉट, तो इश्कानिष्ट यूज किया, नाइन इश्कानिष्ट राड फारन, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, अब चाहता हूँ दूसरी मोडाल वर्ब आ गई, आबर इश विल एस लर्नन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सीखना चाहती हूँ तो मुझे कोर्स में मतलब एक एडमिशन लेना पड़ेगा, तो दान मुस इश मतलब हैव टू, आई हैव टू मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कोर्स करना पड़ेगा, आई एन राड कोर्स मतलब साइकिल कोर्स, बेजूखन इंग्लिश में हम माखन बोलते हैं टू डू कोई कोर्स को, लेकिन ये कोर्स को विजिट करते हैं, बेजूखन का मतलब होता है टू विजिट, इसका मतलब होता है टू विजिट, राइट। तो काजू राड फारन, नाइन इश्कानिष्ट राड फारन, आबर इश्विल एस लानन, दान मुसिश आइनन राड कूस बेजूखन, मुझे साइकिल कोर्स करना पड़ेगा, राइट।
आपको ये समझ में आया? तो अब जैसे कि कुछ कोर्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। तो अगर आप राइट कोर्स करना मतलब राइटन सीखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? राइट कोर्स करेंगे। अब ये नाउन है इसलिए आर कैपिटल है, कोर्स देयर होता है। राइटन, जुर्फन मतलब ये देयर है बेसिकली। जुर्फन मतलब आप सर्फिंग करना चाहते हैं, तो आप कौन सा कोर्स करेंगे? जुर्फ कोर्स करेंगे। तो आप ये पूरा जुर्फन कोर्स मत कर देना, जुर्फ कोर्स, सर्फिंग कोर्स। देन अगर आप शी फारन सीखना चाहते हैं, स्की करना सीखना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं स्की कोर्स करूँगा, शी कोर्स। अगर आप क्लैटन, क्लैटन का मतलब होता है क्लाइम करना, रॉक क्लाइंबिंग या पहाड़ों पे चढ़ना, तो आप क्या करोगे? क्लैटर कोर्स। अगर आप गिटार सीखना चाहते हो, गिटार स्पीलन, तो आप क्या करोगे? म्यूजिक कोर्स, आप म्यूजिक कोर्स करोगे। अगर आप कॉकन, कुकिंग सीखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कॉक कोर्स करोगे, राइट? अगर आप डांस सीखना चाहते हो, डांस करना चाहते हो और सीखना चाहते हो, तो डांस को बोलते हैं हम टांजन, टू डांस, तो आप क्या करेंगे? डांस कोर्स करेंगे, राइट? तो आपने एक चीज चीज नोटिस की होगी कि हम टांजन कोर्स नहीं लिख रहे, कॉखन कोर्स नहीं लिख रहे, हम नाउन निकाल रहे हैं उसका, मतलब उसको नाउन बना रहे हैं। तो कॉखन तो वर्ब हो गई टू कुक, तो अब कुक वर्ब थोड़ी उठाएंगे, तो हमने नाउन बनाया, कॉक निकाला और कोर्स लगा दिया, कॉक कोर्स। टांजन का क्या किया? टांजन स्मॉल में क्यों लिखा? ये वर्ब है और ये नाउन, जितने भी देखो नाउन है मैंने सारे कैपिटल लेटर में लिखे हैं। मैं अभी से बोल रही हूँ नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखने हैं। तो टांजन के लिए आप क्या करोगे? टांस कोर्स करोगे, कॉखन के लिए कॉक कोर्स करोगे, गिटार स्पीलन के लिए म्यूजिक कोर्स, क्लैटन के लिए क्लैटर कोर्स, इसमें एन नहीं हटेगा, सिर्फ पूरा आएगा क्लैटर, फिर कोर्स करोगे। शी फारन के लिए शी कोर्स करोगे, एनजुर्फन के लिए जुर्फ कोर्स करोगे, राइटन के लिए राइट कोर्स करोगे, राइट? सर्फिंग के लिए जुर्फ कोर्स और राइटन के लिए राइट कोर्स करोगे। तो अगर सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, कांजू कॉखन, क्या आप पका सकते हो, खाना बना सकते हो? कांजू कॉखन, कैन यू कुक? ये स्मॉल में आएगा, ये वाला, क्योंकि वर्ब है। कांजू कॉखन, नाइन। इश्कानिष्ट कोखन, मैं नहीं कुक कर सकती। आबर, इश विल एस लर्न, लेकिन मैं ये सीखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इट। अब देखो वर्ब सारी एंड में आ रही है मोडाल वर्ब के साथ। दान, मुसिश, कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? मुसिश, आइनन, कोक कुस बेजुखन। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कुकिंग कोर्स करने के लिए। तो आपने एक चीज़ देखी, मोडाल वर्ब लगाई, नॉर्मल वर्ब एंड में आई, मोडाल वर्ब लगाई, नॉर्मल वर्ब एंड में आई। मैं नहीं कर सकता, मैं सीखना चाहता हूँ, इसलिए मुस आया, तो वर्ब नॉर्मल वर्ब एंड में आई। इस आबर का मतलब होता है बट, दान का मतलब देन, दान मतलब देन, मुझसे शाइन कूल, तो मुझे ये करना पड़ेगा। अच्छा ये तो सीधा मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया और उसका एक आंसर दे दिया, राइट? लेकिन अगर ये डायलॉग राइटिंग में आता है, तो आप डायलॉग राइटिंग में कैसे करोगे? तो यानी कि सामने वाले ने, यानी कि ए ने पूछा आपसे, कांजू शी फारन, क्या आप स्की कर सकते हो? तो उसने क्या बोला? नाइन। उन्दू, मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो, उन्दू बोल दिया बी वाले ने। तो ये क्या बोलेगा? इश्कान आउक, इश्कान आउक, आउक मतलब ऑल्सो, मैं भी नहीं कर सकता। इश्कान आउक निश्ट शी फारन, मैं भी स्की नहीं कर सकता, बट मैं सीखना चाहता हूँ। आबर इश विल एस लर्न, ये बोल रहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो अब बी क्या एडवाइस देगा? अरे तुम्हें फिर वहां जाना चाहिए, तुम्हें ये कोर्स करना चाहिए। दान मोस्ट डू, अब वो एडवाइस दे रहा है बी, इसलिए डू आया, मोस्ट
du einen Skikurs besuchen? राइट, यानी कि ए ने पूछा क्या आप ये कर सकते हो, बी ने बोला नहीं, एंड तुम, तो उसने, ए ने बोला नहीं मैं भी नहीं कर सकता लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, तो बी ने उसे एडवाइस दी तुम्हें ये करना चाहिए। तो पहले वाले में क्या कहता है, मैंने पूरे का आंसर दे दिया था, लेकिन अगर आप डेलोरेटी में करना चाहते हो तो इसको ऐसे तोड़ सकते हो, दान तुम्हें ये करना चाहिए। पहले में मैंने क्या बोल दिया था, दान मुसिश, मुझे करना पड़ेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये सीखना चाहती हूँ, मुझे ये करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है, दान मुस्ट डू आइने स्की कूस बेजूका, तुम्हें स्की कूस करना चाहिए। राइट, तो ये अभी जो हमने किया ये ग्रामर पार्ट किया, इस ग्रामर पार्ट में हमने क्या किया, मोडाल वर्ब, तीन मोडाल वर्ब हमने कवर की है। पहली की है क्योनन, दूसरी की है वोलन एंड तीसरी की है म्यूसन। ये तीन मोडाल वर्ब की है इस चैप्टर में, ये तीन ही मोडाल वर्ब है। क्योनन का मतलब होता है कैन, इसका मतलब होता है टू वॉन्ट या वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू डू दिस, और म्यूसन का मतलब होता है मस्ट या हैव टू, करना पड़ेगा। ये एबिलिटी को दर्शाता है, ये इच्छा को मतलब डिजायर को, विश को दर्शाता है, और ये ऑब्लिगेशन, काम करना पड़ेगा, कि अगर मुझे जर्मन सीखनी है तो जर्मन कोर्स करना पड़ेगा। राइट, और मैंने मोडाल वर्ब का रूल नंबर वन क्या बताया है, इश और एस सेम होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना जो कॉन्जुगेशन है। और दूसरा रूल, जब भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मोडाल वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, देन नॉर्मल वर्ब होगी, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इश कान डॉ एक्सप्रेशन, इश विल डॉ एक्सप्रेशन। अब देखो मैं तीन सेंटेंस बनाती हूँ सिर्फ मोडाल वर्ब चेंज करके, तो देखो मीनिंग क्या चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला इश कान डॉइट एक्सप्रेशन, दूसरा इश विल, सिर्फ मोडाल वर्ब चेंज करूंगी और मीनिंग देखना, इश विल डॉ एक्सप्रेशन, एंड तीसरा इश मुस डॉ एक्सप्रेशन। यानी कि पहला बोल रहा है आई कैन स्पीक जर्मन, मैं जर्मन बोल सकती हूँ, दूसरा बोल रहा है इश विल डॉ एक्सप्रेशन, मैं जर्मन बोलना चाहती हूँ, और तीसरा इश मुस डॉ एक्सप्रेशन, मुझे जर्मन बोलनी पड़ेगी। देखा, सिर्फ एक मोडाल वर्ब लगाने से मूड कितना चेंज हो गया, यानी कि मैं बोल सकती हूँ, बोलना चाहती हूँ, बोलना पड़ेगा, सिर्फ ये मोडाल वर्ब लगाने से मूड कितना चेंज हो गया। आई कैन स्पीक जर्मन, आई वॉन्ट टू स्पीक जर्मन, आई हैव टू स्पीक जर्मन, यानी कि आई मस्ट स्पीक जर्मन, मुझे जर्मन बोलनी पड़ेगी। तो देखो मोडाल वर्ब का कितना फर्क है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्जुगेशन एक बार देख लेना, इनको यूज़ करना, कैसे क्वेश्चन बिल्ड करने हैं, कैसे नॉर्मल सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड मीनिंग करेंगे और क्या क्या वोकैब पार्ट है उस चीज़ को हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।